चैनल फ्लैशिंग में खुश आमदीद दोस्तों, आज मैं आपको SPD 6531 CPU वाले मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट करने, अनलॉक करने या फ्लैश करने का तरीका बताऊंगा। ये पर मेरे पास मोबाइल है, इसको मैं कंप्यूटर से कनेक्ट करता हूं। मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे CM2 SPD मॉड्यूल ओपन है, आप चेक कर सकते हैं। सेटिंग से मैंने 6531 SPD 6531 बूट सेलेक्ट की, इसके बाद फ्लैश पे क्लिक किया और मोबाइल का बैकअप लेने की कोशिश करेंगे, यानी कि मोबाइल की फ़ाइल को कंप्यूटर में कॉपी करने की कोशिश करेंगे बॉक्स के ज़रिए। रीड फुल फ्लैश पे क्लिक किया, साथ में बैटरी कनेक्ट की और केबल से कनेक्ट किया। दोस्तों, डिटेक्ट तो हुआ लेकिन बॉक्स का सेटअप जो है वो बिज़ी हो गया और मोबाइल जो है सही तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ। तो ये आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से कनेक्ट करना है। दोस्तों, मैं केबल को हटा देता हूं, बैटरी को साइड पे करें। मोबाइल में, मोबाइल ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं उसमें बाज़ मोबाइलों में इधर फ्रंट पे टेस्ट पॉइंट बने होते हैं और बाज़ मोबाइल में बैक साइड पर बने होते हैं। ये आप देख सकते हैं TX का पॉइंट है, RX, TX और डेटा माइनस प्लस, और साथ में ये ग्राउंड पावर और VBAT। हमने जंपर वायर की मदद से ग्राउंड, GND और TX को कनेक्ट कर देना वायर की मदद से। इसको मैंने कट किया, मोबाइल के साथ बैटरी को कनेक्ट किया। सेटअप चूँकि मोबाइल कनेक्ट किया था इसलिए बिज़ी हो चुका है, तो उसको दोबारा ओपन करेंगे, क्लोज़ करेंगे, फिर दोबारा ओपन करेंगे। अभी चंद सेकंड में सेटअप ओपन हो जाएगा, तो हम बताएंगे कि ये TX से हमने जो ग्राउंड को कनेक्ट किया है ये कितने परसेंट ठीक काम करता है। मैंने सेटिंग से SPD 6531 सेलेक्ट किया, फ्लैश पे क्लिक किया और साथ में रीड फुल फ्लैश, मोबाइल को बैटरी के साथ अच्छी तरह से कनेक्ट किया। इसको मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, तो यह केबल मैं मोबाइल की चार्जिंग बेस में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आप कर्सर पे गौर करें, इधर देखें फ़ोन फौरन कनेक्ट हो गया और मोबाइल का बैकअप हो रहा है, यानी कि फ़ाइल कंप्यूटर में कॉपी हो रही है। तो दोस्तों, अगर बूट की से मसला हल ना हो तो यह फाइनल हल है SPD चिप को कंप्यूटर से कनेक्ट करने का। फाइल में इधर मैं इसका मोबाइल का मॉडल, वेंडर की मोबाइल, मॉडल नेम E500i, लैंग्वेज आल। तो दोस्तों, इस तरीके से आप SPD चिप 6530 और 6531 आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। अब साथ में इसको अनलॉक भी कर लेते हैं। फॉर्मेट फैक्ट्री रीसेट, मोबाइल को कनेक्ट किया बैटरी से और साथ में ये USB केबल कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, एक दफ़ा भी मिसिंग नहीं है, हर बार 100% केबल काम कर रही है। और ये TX को आप ग्राउंड से कनेक्ट करके 1 मिनट या 2 मिनट में अपने सेट को अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने का शुक्रिया।